जाने दीजिए। तुम्हें कोई एतराज है गासे? फारस की फौज का कमान हम संभालेंगे और दास्तान संभालेगा बेअदब फौज। उनमें शायद अदब की कमी हो मगर लड़ने का हुनर बहुत है। दुश्मन का खून बहाने का पहला हक हमारा होना चाहिए। गासे तुम अभी से खून के प्यासे होना ही चाहिए। हमारे प्यारे भाई। लड़ने को हर वक्त तैयार। सुना है अलमत की शहजादी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हम शहजादी के महल में जाकर खुद देख लेंगे। तुम्हारी हिम्मत पर हमें कोई शक नहीं है दास्तान, पर तुम हमले के लिए तैयार नहीं हो। गारसिफ की फौज पहले हमला करेगी। शहजादी तमीना, फारस की फौज अपनी जगह से हट नहीं रही है। वो उसी बात को सच मानते हैं जिस पर उन्हें यकीन है। उन्हें असलियत की परवाह नहीं। अपनी हिफाजत के लिए बेहतर होगा कि आप उनके निशाने पर ना जाएं। उनका मकसद कुछ भी हो, ना तो उनके कमान में इतनी ताकत है और ना ही निशाना अचूक। फौरन दरबार बुलाइए, कहिए कि हम बड़े मंदिर में हैं, हमें दुआ करनी होगी। बड़े मंदिर में? अलमत ने हजारों सालों से शिकस्त नहीं देखी है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वैसे हम आपके बड़े भाई का हुक्म क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि गारसिफ को सिर्फ सामने से वार करना आता है और उससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। अलमत की फौज की तवज्जो सामने के दरवाजे पर होगी और हम अकल के दरवाजे से पहुंच जाएंगे। को खोलना आसान है, अंदर वाले दरवाजे को खोलना नामुमकिन है। उस दरवाजे की हिफाजत उन दो मीनारों पर बैठे पहरेदार कर रहे हैं। जहां चाह वहीं राह। तुम बाहर के दरवाजे से जाओ और ये नामुमकिन वाला मुझ पर छोड़ दो। लगता है आप हमें मरवा कर रहेंगे शहजादे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। बस आगे बढ़ो।